स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दास। मैं आप लोगों को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट पढ़ाती हूँ। आज हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि एबीसी मॉडल है। अल्बर्ट इल्स ने इसको डेवलप किया था। फिर से आज हम लोग की पॉइंट से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पीडीएफ के थ्रू इन डिटेल्स इस नोट्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लर्नर्स, जो एबीसी मॉडल है अल्बर्ट इल्स की, वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से रिलेटेड है। पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, देन हम लोग एबीसी मॉडल पर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, देखो, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मतलब होती है कि एक ऐसा थेरेपी है जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा गलत सोच लेते हैं, ठीक है। जो इरेशनल थिंकिंग है, ये गलत सोचने को हम लोग सही टर्म में इरेशनल थिंकिंग कहेंगे। मतलब ऐसा कुछ हुआ जिसका मीनिंग उतना बड़ा नहीं है, मगर हम लोग सोच लेते हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो ये इरेशनल थिंकिंग से ही आती है। तो ये जो गलत सोचना है उसको सही करना, इसको ही हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। देखिए, कॉग्निटिव रिलेट होती है हमारी किससे, बताओ, माइंड से रिलेट होती है। बिहेवियर है हमारी, तो ये हम लोग जो सोचते हैं, कॉग्निटिव सोचना, बिहेवियर कुछ एक्शन। तो ये गलत सोचना, जब सोचेंगे गलत करेंगे भी गलत, तो उसको सही करना, तो इसका इसीलिए नाम हो गया कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो यहाँ पर इस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का जो सही डेफिनेशन क्या होगा, देखो, साइको सोशल इंटरेक्शन है ये, जिसके थ्रू हम लोग, देखो यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर होगा टू इम्प्रूव, ठीक है, टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। मतलब हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करेगा साइको सोशल इंटरेक्शन से, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। आप ये फोकस करेगा किसके ऊपर, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फोकस करेगा किसके ऊपर, चेंज अनहेल्पफुल कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एंड बिहेवियर। मतलब हमारी जो अनडिजर्वेबल जो बिहेवियर होती है, जो डिजर्व नहीं है, उन सभी बिहेवियर को चेंज करेंगे, ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अच्छा, इम्प्रूव करेगा, चेंज करेगा अनहेल्पफुल कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बिहेवियर को, इम्प्रूव करेगा हमारी इमोशनल रेगुलेशन को, क्योंकि जब कोई बंदा कुछ गलत सोच लेता है, वो इमोशन से इन्फ्लुएंस होके गलत सोच लेता है, ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी उसमें नहीं है, वो बहुत ज्यादा हाई इमोशनल फीलिंग से इन्फ्लुएंस होके वो कुछ अलग सोच लेते हैं, अलग कार्य कर लेते हैं। तो इसको ही हम इरेशनल थिंकिंग कहते हैं, तो जिसको इम्प्रूव करेगा ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। थर्ड पॉइंट क्या है, सॉल्विंग करंट प्रॉब्लम। मतलब अगर मैं गलत सोचूंगी तो गलत करूंगी, तो मेरी जो करंट सिचुएशन है वो गलत हो जाएगा और भी प्रॉब्लमेटिक आ जाएगा, देन आई फेस मेनी प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ। सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इम्प्रूव करेगा मेरी इमोशनल रेगुलेशन को, मेरी इरेशनल थिंकिंग को, मेरी मेंटल हेल्थ को वो रिमूव करेगा, एंड जो करंट प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर देगा। क्योंकि जब भी मेरा थिंकिंग रैशनल होगा, जब भी मैं सही सोचूंगी, डिजर्वेबल बिहेवियर मेरे अंदर होगा, तब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो मैं और एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसका ट्रिक्स क्या है, हम लोग नाम से, टॉपिक की नेम से पता चल जाएगा कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड है, तो थेरेपी का मतलब कुछ गड़बड़ी है। तो यहाँ पर हम लोग कॉग्निटिव मतलब माइंड से रिलेटेड हो रही, जो सोचेंगे उस सोचने में गड़बड़ी है, तो इरेशनल थिंकिंग आ जाती है इसमें। अब इस इरेशनल थिंकिंग को हमें सही करना है, तो इरेशनल थिंकिंग का मतलब ही हम लोग इमोशंस, हाई इमोशंस में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं,
इरेशनल थिंकिंग आ जाती है हमारी बीच में, हमारी बिहेवियर ठीक नहीं होती है, डिजायर्ड बिहेवियर नहीं होती है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सब कुछ को सॉल्व कर देगा, ठीक। जैसे कि हमारी जो साइकोसोशल इंटरेक्शन से, कैसा इस टर्म को याद रखिए, साइकोसोशल, ठीक है, साइकोसोशल जो इंटरेक्शन है, इस साइकोसोशल इंटरेक्शन से ये हेल्प करेगा टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, क्लियर। अच्छा, अब फोकस करेगा चेन ऑन हेल्पफुल कॉग्निटिव बिहेवियर और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। सेकंड पॉइंट क्या है, इम्प्रूव इमोशनल रेगुलेशन, हमारी इमोशंस को वो इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इज सॉल्विंग करंट प्रॉब्लम्स। तो आई होप ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अभी इससे रिलेटेड एबीसी मॉडल को देखेंगे। अच्छा, अभी इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देना होगा जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एबीसी मॉडल हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं अभी, ए बी सी मॉडल, ठीक है। तो ये जो एबीसी मॉडल है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से रिलेटेड है। एग्जांपल देती हूँ, सपोज कीजिए कोई एक स्टूडेंट है जो एक सिंगिंग कंपटीशन पर पार्टिसिपेट किया, अभी कुछ ऐसा गलत काम हो गया, जैसे सपोज कीजिए उसकी तबीयत खराब है, ठीक। अब वो कंपटीशन पर जीत नहीं पाई, अब वो सोच रही है कि मैं ओर्थलेस हूं, मुझसे कोई काम नहीं हो सकती, उस लड़की ने ऐसा कुछ सोच लिया। तो एक ऐसा घटना घटी, वो सिंगिंग कंपटीशन पर गई और उस कंपटीशन पे जाके उसको सक्सेस नहीं मिला, वो कोई भी रैंक की ऑर्डर पर नहीं था। तो अभी वो सोच लिया कि मैं वोटलेस हूँ, मेरे से कुछ काम नहीं होती है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अनलकी हूँ। तो वो खुद की सराउंडिंग एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया। एक घटना, कौन सी वो घटना थी, कि वो सिंगिंग कंपटीशन हार गई थी, क्लियर। तो आप देखो एक घटना जिसके थ्रू वो बहुत गलत सोचना शुरू कर दिया, जैसे कि मैं वोटलेस हूँ, मेरे से कोई काम नहीं होगा, मैं अनलकी हूँ। तो ये क्या है, इरेशनल थिंकिंग है, ठीक है। तो वो इमोशंस, जो हाई इमोशंस से वो इन्फ्लुएंस हो रही है। तो कॉग्निटिव थेरेपी तो वही था कि मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना, उसकी जो गलत बिहेवियर है उसको चेंज करना, इमोशंस को इम्प्रूव करना, ठीक है। अभी देखो हम लोग इस सेकेंड पॉइंट तक स्टडी किए, थर्ड पॉइंट अभी स्टडी नहीं करेंगे, सॉल्विंग करंट जो प्रॉब्लम्स है उसको अभी नहीं देखेंगे। इन तीन पॉइंट्स को, मतलब फर्स्ट से लेकर सेकेंड पॉइंट तक समझो पूरी बात को। तो ये क्या था, मैंने क्या एग्जांपल दिया कि सिंगिंग कंपटीशन पर वो लड़की जीत नहीं पाई, क्लियर। अच्छा, अब एबीसी मॉडल से वो हम लोग रिलेट करेंगे। एबीसी मॉडल का ए डिनोट करता है एक्टिवेटिंग इवेंट। अच्छा, और एक बात बता देती हूँ कि ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को, मतलब ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब, डी का मतलब, ई का मतलब, इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये मैचिंग पे आती है, ठीक है। तो ए का मतलब क्या है, एक्टिवेटिंग इवेंट। बी का मतलब क्या होती है, बिलीव एंड थॉट। सी का मतलब कंसिक्वेंस। डी का मतलब डिस्प्यूट। ई का मतलब इफेक्टिव न्यू, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, एक्टिवेटिंग इवेंट का मतलब होती है कि जो घटना उसके साथ घटी थी, तो उस लड़की के साथ क्या घटी, कि वो सिंगिंग कंपटीशन हार गई थी, जीत नहीं पाई। तो वो हो जाएगा उसकी एक्टिवेटिंग इवेंट। क्या हो जाएगा, एक्टिवेटिंग इवेंट। यहाँ पर फोकस करेंगे हम लोग, क्या है, फोकस ऑन इवेंट जो कि लीड्स करता है, देखो ध्यान से देखो,
जो कि लीड्स करता है लीड्स ऑन इवेंट इमोशन एंड नेगेटिव डिसफंक्शनल थिंकिंग, है ना। इमोशन से वो इन्फ्लुएंस हो रही है बहुत ज्यादा और नेगेटिव थिंकिंग है उसके अंदर। मैंने क्या कहा था, सिंगिंग कंपटीशन हार गई इसीलिए वो क्या सोच रही है, मैं ओर्थलेस हूं। वो ओर्थलेस है, वो अनलकी है, अनलकी है उस मतलब उस वो कोई काम नहीं कर सकती, ठीक है। इस टाइप की वो थिंकिंग सोच रही है, दैट मींस वो कैसा सोच रही है, नेगेटिव थिंकिंग के साथ वो बिलोंग कर रही है। तो ऐसा कोई घटना घटा, जैसे कि घटना क्या था, वो सिंगिंग कंपटीशन नहीं जीत पाई। तो फोकस ऑन द इवेंट, हम लोग इवेंट पर फोकस किए एंड देखा कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल चीजों पर इन्फ्लुएंस हो गई और उसके अंदर उसके जो बिहेवियर में हम लोग देखा कि नेगेटिव डिसफंक्शनल थिंकिंग था। क्या था, नेगेटिव डिसफंक्शनल थिंकिंग। ये किसके अंतर्गत आएगा, एक्टिवेटिंग इवेंट के अंदर। कंसेप्ट क्लियर होगी। अब बी, बी का मतलब क्या है, बिलीव एंड थॉट। वो सोचना शुरू कर दिया, क्या सोचेंगे, नेगेटिव थॉट, मतलब ये सब कुछ सोचना शुरू कर दिया। हम लोग एक्टिवेटिंग इवेंट पर सिर्फ इवेंट के ऊपर फोकस करेंगे। इवेंट क्या था कि वो सिंगिंग कंपटीशन हार गई। अब नेगेटिव थॉट आ जाएगा कि बिलीव एंड थॉट, मतलब ये जो ओर्थलेसनेस है, ठीक है, मैं ओर्थलेस हूं। नेक्स्ट क्या था, मैं अनलकी हूं, होपलेस हो गई मैं, मेरे से कोई होप मत रखना, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट एनीथिंग। ये जो सारी सोचना है वो मेरी आ जाएगी किस में, बिलीव एंड थॉट में। तो मैंने ये देखा, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग इवेंट को देखेंगे जो लीड करता है इमोशंस एंड नेगेटिव थिंकिंग से। मगर ये इमोशंस एंड नेगेटिव थिंकिंग हमारी बिलीफ पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बी से बिलीफ होती है, आप क्या बिलीव करते हो। ये लड़की अभी क्या बिलीव कर रही है, ये लड़की बिलीव कर रही है कि मैं ओर्थलेस हूं, मगर ये लीड करती है इवेंट को, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्सिक्वेंस, अभी कॉन्सिक्वेंस आउटकम क्या आ जाएगी कि वो अभी कोई भी सिंगिंग कंपटीशन पर नहीं जा रही है, वो आइसोलेटेड हो चुकी है, वो किसी के साथ बात नहीं करती, वो डिप्रेशन पर है, वो आइसोलेटेड है, वो कोई भी कंपटीशन या फिर कोई भी कार्य पर इंटरेस्ट नहीं दिखाती। क्लियर। तो ये आ जाएगी मेरी कंसिक्वेंस। तो कंसिक्वेंस क्या है, What is the meaning of consequence? It explains, ये explain करती है that by description emotions that client thing, जो वो सोच रही है उस सोचने को ये explain कर देती है, वो describe कर देती है उसकी emotion को, describe करते हुए वो explain कर देती है जो कि consequence पर है। तो अभी जो है वो do not attend, do not attend any work, ठीक है। क्यों, वो क्यों वर्क पर अटेंड नहीं है, क्योंकि वो तो सोचता है खुद को वर्थलेस, होपलेस, वो सोचता है कि she can't do anything, वो अनलकी समझता है खुद को। तो ये सभी चीज उसकी इमोशंस को डिस्क्राइब कर देता है, ठीक है, जो वो सोचता है। अभी डिस्प्यूट देखो, तो जो पूरी घटना थी और उस पूरी घटना की जो आउटकम थी वो सब कुछ आ गया, ठीक है। अच्छा, कंसीक्वेंस को हम लोग एज ए सिंपल इंग्लिश पर इफेक्ट कहते हैं। इफेक्ट क्या हुआ, इस पूरी घटना का इफेक्ट क्या हुआ, इस पूरी घटना का इफेक्ट हुआ कि वो लड़की अभी आइसोलेटेड है, वो डिप्रेशन पर चला गया, वो किसी भी वर्क को अटेंड नहीं करती।
ये इफेक्ट हो गया, दैट मीन्स ये सारी चीज कंसिक्वेंस पर है। ठीक, अच्छा अभी आ रही है थेरेपी। थेरेपी पर क्या होगा? डिस्प्यूट। अभी हमें इस इरेशनल थिंकिंग जो है इसको सही करना है। ठीक है, तो सही कैसे करेंगे? वो अभी खुद क्वेश्चन करेंगी। शी क्वेश्चन द थॉट, वो जो सोच रही है उस सोचने पर वो खुद को क्वेश्चन करेंगी। सही में एक सिंगिंग कंपटीशन से ये पता चलता है कि मैं ओर्थलेस हूँ, एक सिंगिंग कंपटीशन से ये पता चलता है कि मैं अनलकी हूँ। सच्ची में ये कभी हो सकती है? एक कंपटीशन मुझे जज करेगा? नेवर एवर कैन डू इट, कि ये कभी नहीं हो सकती कि एक कंपटीशन मुझे जज करेगा, मुझे ओर्थलेस कहेगा, मुझे अनलकी कहेगा। ये मेरा गलत सोचना है। तो ये वो खुद से सोचना शुरू कर देगा, खुद की सोचने के ऊपर वो सोच रही है कि क्या मैं सोच रही थी अभी, ये तो गलत सोच रही थी, मैं क्यों नेगेटिव, क्यों मैं खुद को ओर्थलेस कहूंगी। तो ये जो वो खुद की थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चंस कर रही है इसको हम डिस्प्यूट कहेंगे। अभी देखो इफेक्टिव, ई से क्या होती है? इफेक्टिव। अब न्यू इफेक्टिवनेस आएगा। क्या इफेक्टिवनेस? इरेशनल थिंकिंग ट्रांसफर होके रैशनल थिंकिंग बन जाएगा। वो सोच रही है ये हो सकती है मेरी गला थोड़ी सी खराब थी, क्योंकि मेरी कोल्ड कफ थी इसीलिए मेरा गला थोड़ा सा खराब था, तो इसीलिए आई थिंक सिंगिंग कंपटीशन पर मैं जीत नहीं पाई। अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी और मैं कंपटीशन पर अटेंड करती रहूंगी, एफर्ट देती रहूंगी और एक दिन मैं जीतूंगी। तो ये क्या हो गया? इरेशनल थिंकिंग से रैशनल थिंकिंग के ऊपर कन्वर्ट हो गई, राइट? यही है ABC की मॉडल। आई होप ये कंसेप्ट पूरी क्लियर है। एक छोटी सी डायग्राम है उसके साथ और एक बार समझ लेते हैं। देखो इस ABC कंसेप्ट पर क्या क्या था? थॉट्स है, फीलिंग्स है एंड बिहेवियर है, राइट? थॉट मतलब गलत सोच रहे हो, गलत फीलिंग्स है आपकी, इमोशंस गलत है, बिहेवियर भी गलत कर रहे हो, ठीक है ना? तो ये थॉटनेस एंड इमोशंस की वजह से कंसिक्वेंस भी गलत आती है, मतलब बिहेवियर भी गलत आ जाती है। तो हमें सही सोचना है, फीलिंग सही रखना है, हम लोग काम भी सही करेंगे। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? ABC मॉडल कहते हैं, जो कि कॉग्निटिव थेरेपी से रिलेटेड है। और एक बार मैं छोटी सी समराइज कर देती हूँ इस पूरी कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि ये जो साइको सोशल इंटरैक्शन है, मतलब मैं खुद से इंटरैक्ट कर रही हूँ कि मैं क्या सोच रही थी, मेरी मेंटल हेल्थ को मैं इम्प्रूव करूंगी, मेरी मेंटल हेल्थ नेगेटिव पर था, अभी उसको मुझे पॉजिटिव पर लेके जाना है, ठीक है? तो ये मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना, आपकी जो बिहेवियर है डिजर्नेबल बिहेवियर जो नहीं है आपकी, उसको डिजर्नेबल करना एंड इमोशनल रेगुलेशन को इम्प्रूव करना, और सबसे बड़ी बात क्या था? सॉल्विंग करेंट प्रॉब्लम। देखो ये सॉल्विंग करेंट प्रॉब्लम इफेक्टिव न्यू पर आके सॉल्व होगी। जो प्रॉब्लम थी उस लड़की का, वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गई, राइट? तो अभी हम लोग किससे पढ़ेंगे? नोट्स से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं ABC मॉडल का कुछ नोट्स। तो लर्नर्स चलिए अभी हम लोग ABC मॉडल को स्टडी करेंगे। तो ABC मॉडल की जो फर्स्ट A है, ये डिनोट करती है एक्टिवेटिंग इवेंट, जो कि हम लोग फोकस करेंगे उस सिचुएशन की ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि कौन सी सिचुएशन पर हुई है, ठीक है? द फर्स्ट कॉलम रिकॉर्ड्स द ऑब्जेक्टिव सिचुएशन, मतलब पूरी घटना को ये एक्टिवेटिंग इवेंट्स रिकॉर्ड करेगा कि क्या क्या हुआ है, ठीक है? जो कि लीड करती है हमारी हाई इमोशनल रिस्पॉन्स एंड नेगेटिव डिसफंक्शनल थिंकिंग से। अच्छा नेक्स्ट देखो, बी डिनोट करती है बिलीफ से। तो यहाँ पर क्या होगा? जो इरेशनल थिंकिंग है, जो इरेशनल बिलीव्स है, वो इस बी पर आ जाएगा। सो द सेकंड कलम द क्लाइंट राइट्स डाउन, मतलब जब अब कोई काउंसलर के पास जाओगे तो वहाँ पर काउंसलर फर्स्ट क्या करेगा? पूरी घटना को रिकॉर्ड करेगा कि क्या हुआ था उस दिन, ठीक है? जैसे कि अगर सिंगिंग कंपटीशंस की एग्जांपल को अगर हम लोग रिलेट करेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलर का काम क्या होगा? टू रिकॉर्ड द इवेंट कि क्या हुआ था उस टाइम पर, ठीक है? तब वो जो क्लाइंट है वो कहेगा कि मैं कंपटीशन हार गई थी,
क्यों हारी थी, क्योंकि क्या क्या हुआ था, कौन से इवेंट्स हुआ था उस टाइम पर, वो सारी चीज यहाँ पर ए जो है एक्टिवेटिंग इवेंट्स का मतलब है, उस इवेंट की पूरी घटना को वो अभी राइट डाउन कर लेगी, रिकॉर्ड कर लेगी क्या हुआ था उस टाइम पर, ठीक है, सिचुएशन क्या था। अब बी का मतलब बिलीव, आप वो सुनेगा, राइट डाउन करेगा कि क्लाइंट का बिलीव क्या है, क्लाइंट क्या सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इरेशनल जो उसकी बिलीव्स है, उस सभी बिलीव्स को क्लाइंट नोट डाउन करेगा। सो बी का मतलब क्या होती है, बी का मतलब होती है कि द इवेंट कॉजेस समवन टू हैव बिलीव्स, मतलब वो क्या सोचते हैं, वो कंपटीशन हार गई थी उसका कारण वो क्या सोचते हैं, वो राइट डाउन करेगा, ठीक है। सी का मतलब क्या होती है, कंसिक्वेंस, जो थर्ड कलम पर आती है, जहां पर नेगेटिव फीलिंग्स एंड डिसफंक्शनल बिहेवियर दैट एनश्योर, ठीक है। यहाँ पर थर्ड कलम पर क्या आ जाती है कि उसकी जो नेगेटिव फीलिंग की वजह से कुछ चीज इफेक्ट हुई है उसको, उसको यहाँ पर डिनोट किया जाता है। द नेगेटिव थॉट्स इज सेकेंड कलम आर सीन एज कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन द सिचुएशन एंड डिस्ट्रेसिंग फीलिंग, मतलब वो जो फील कर रही है कि मतलब वो जो लड़की, अगर एग्जाम्पल लू कि वो लड़की अभी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, ठीक है, देखो वो अभी डिप्रेस्ड है, तो ये डिप्रेसिंग सिचुएशन, जो वो लड़की डिप्रेस्ड है, वो डिप्रेस सिचुएशन किसके साथ लिंक है कि वो गलत सोच रही है, ठीक है, उसकी नेगेटिव फीलिंग की वजह से वो अभी डिप्रेशन पर है। तो ये जो कनेक्शन बना, तो ये नेगेटिव फीलिंग कहाँ से आई, ये नेगेटिव फीलिंग्स आई हमारी ये सेकंड कलम से, बिलीफ से, जिसके थ्रू अभी वो डिप्रेशन पर है। तो यहाँ पर सेकंड कलम की जो कनेक्शन है वो उसकी अभी की सिचुएशन से एक कनेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो डिप्रेशन है वो उसका आउटकम हो गया है ना, तो इस आउटकम या इफेक्ट को ही हम क्या कहेंगे, कंसिक्वेंस कहेंगे। सो द थर्ड कलम या सी, द थर्ड कलम सी का मतलब ये कंसिक्वेंस है, इज नेक्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय डिस्क्राइबिंग इमोशंस, मतलब अभी जो वो डिप्रेशन पर है वो उसकी इमोशंस को डिस्क्राइब कर रही है, और नेगेटिव थॉट्स को, या फिर डिस्क्राइब द इमोशंस और द नेगेटिव थॉट्स दैट क्लाइंट्स थिंग्स आर कॉज्ड बाय ए, मतलब किस वजह से हुआ था, ठीक है, वो जो सोच रही है कि हाँ इस वजह से मैं हारी थी, ठीक है, क्यों हारी थी, क्योंकि मैं गाना गा नहीं सकती, ठीक है, वो कंपटीशन जो हार गई थी उसका कारण वो खुद को दे रही कि मैं गा नहीं सकती, ठीक है, मैं ओर्थलेस हूँ। तो ओर्थलेस आ गया कहाँ पर बताओ, बी पर आ गया, और मैं गा नहीं सकती, ये जो कारण वो खुद बता रही है वो आ जाती है कहाँ पर, एक्टिवेटिंग इवेंट पर, ठीक है। तो जब वो कारण वो बता रही है एक्टिवेटिंग ए के, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस, इरेशनल इमोशंस उसके अंदर है, जो कि डिस्क्राइब करेगा कौन, ये सी कंसिक्वेंस। तो अभी देखो डी का मतलब क्या है, डिस्प्यूशन। तो डिस्प्यूशन का मतलब होती है, इफ वन हैज हेल्ड एन इरेशनल बिलीव, अगर किसी के अंदर इरेशनल बिलीव है, विच इज कॉल्ड द अनहेल्दी कंसिक्वेंस, इसके थ्रू क्या होगा, अनहेल्दी कंसिक्वेंस होगा, दे मस्ट डिस्प्यूट दैट बिलीव एंड रिटर्न इन टू द रैशनल बिलीव। तो उसको ट्रांसफर करके कहाँ पर लेके जाना होगा, रैशनल बिलीव पर लेके जाना होगा। सो यहाँ पर अभी क्या होगा, शी क्वेश्चन, रुको एक सेकेंड, अब देखो शी क्वेश्चन द थॉट, वो अब खुद को क्वेश्चन करेगा, क्या एक कंपटीशन मुझे जज करेगा, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया कि एक कंपटीशन मुझे जज करेगा, एक कंपटीशन की वजह से मैं आउटलेस हूँ। तो यहाँ पर वो खुद को क्वेश्चंस कर रही है, शी टेल्स हरसेल्फ दैट एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, एक मिस्टेक हो गई थी आई थिंक, एंड दैट वन मिस्टेक डज नॉट मीन शी इज आउटलेस दैट और दैट शी इज नॉट गुड एट एनीथिंग, मतलब एक मिस्टेक की वजह से वो खुद को ओथलेस और नॉट गुड एट एनीथिंग नहीं कह सकती, नहीं हो सकती उसकी जज एक मिस्टेक की वजह से। तो ई का मतलब क्या होती है, न्यू इफेक्ट, न्यू इफेक्ट नहीं, यहाँ पर होगा इफेक्ट न्यू, ठीक है, ये न्यू बाद में आ जाएगा, इफेक्ट न्यू हो जाएगा। सो द डिस्प्यूशन, एक सेकेंड,
मैं इस एरो को यहाँ पर कर देती हूँ, ये न्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर, ठीक है। अभी इफेक्ट न्यू होगा, मतलब कंसिक्वेंस से एक इफेक्ट आ गई थी, वो पुराना इफेक्ट थी, अभी न्यू इफेक्ट आ गई। क्या था वो न्यू इफेक्ट? कि द डिस्प्यूशन हैज टर्न्ड द इरेशनल बिलीफ इनटू अ रैशनल बिलीफ। तो अभी इरेशनल बिलीफ से कहाँ पर आ गई? वो रैशनल बिलीफ पर आ गई। एंड द पर्सन नाउ हैज हेल्दियर कंसिक्वेंस ऑफ देयर बिलीव एज अ रिजल्ट। अभी वो हेल्दियर कंसिक्वेंस पर बिलोंग कर रही है। द क्लाइंट एक्सपेक्ट्स दैट वी ऑल मेक मिस्टेक, हम लोग सभी मिस्टेक कर देते हैं, वहां पर भी मेरा एक मिस्टेक्स हो गई होगी। एंड रिप्लेस द नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थॉट को हटा देती है विद दिस पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट के साथ साथ शी कमिट करती है कि टू लर्निंग फ्रॉम हर मिस्टेक्स एंड ट्राई अगेन इन द फ्यूचर। और जो वो गलती किया है उस गलती से वो सीखेंगे और फ्यूचर में वो प्रोग्रेस करेंगे। तो इसका क्या हो गया? वो एक न्यू इफेक्ट बन गया, ठीक है। तो यही था एबीसी मॉडल। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। असल लेसन अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ, मैं जो हमेशा कहती हूँ, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। बाय बाय।